Hello everyone, myself Dr. Monica Maheshwari, gynecologist and obstetrician at Amandi Medicity Hospital, Amritsar. Today I'm going to tell you in short about cervical cancer and its vaccination and the importance of pap smear test. The cancer word itself is very scary. लगता है ना कैंसर नाम सुन के कि ये डिजीज तो अनट्रीटेबल है बट द ब्यूटी ऑफ दिस सर्वाइकल कैंसर इज दैट इट इज 100% ट्रीटेबल इफ इट इज डायग्नोज्ड एट एन अर्ली स्टेज व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर इट इज अ कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड व्हाट इज सर्विक्स आई टेल यू सर्विक्स मींस दिस पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल्स दिस इज ओवरी यानी कि अंडेदानी दिस इज यूट्रस दैट मीन्स बच्चेदानी एंड दिस इज सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बच्चेदानी का मुंह आज हम इसके कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं व्हाई दिस कैंसर वी आर डिस्कसिंग टुडे बिकॉज दिस सर्वाइकल कैंसर इज अ बिग बर्डन ऑन द अर्थ इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इट इज सो सीवियर दैट दिस कैंसर इज कॉजिंग मोर देन 800 वुमेन are dying because of this cancer every day. 8 women are dying every hour and every 7 minutes a woman is dying. So this cancer is so common and still many of you are unaware of it. What are the causes of this cancer? Iske kya karan hai? This cervical cancer is basically the most common causes this virus, human papilloma virus. This virus has many strains. Few strains are non-cancerous, जिसकी वजह से most commonly warts हो जाता है, जैसे कि type 6, 11, and the other types like type 16, 18, 31, 33. These are the common types which are causing cervical cancer. How this virus spreads? It spreads through the sex. In the sexually active females, this virus get transmitted from the males to females. And 95% of these sexually active females get infected with this virus. 95% ladies ko ye virus infection zarur hoega. But oh 95% ladies mein se 99% ladies ko ye virus koi problem nahi karta hai. Usme is virus ki wajah se jo changes aate hain wo apne aap theek hote jaate hain. But in less than 1% of population of females, this virus cause the changes which remains permanent and which progressively causes the cervical cancer. Like in this you see the picture, this is the pic of the normal cervix, normal looking cervix. But ye virus actually kya karta hai, when it infects the cervix, it causes changes in the cells of this cervix. Normally जो चेंजेस आते हैं वो अपने आप विद टाइम ठीक हो जाते हैं एंड द सर्विस अगेन बिकम्स नॉर्मल बट इन लेस देन 1% पॉपुलेशन ये जो चेंजेस आते हैं ये परसिस्ट करते हैं एंड धीरे धीरे ये कैंसर कर सकते हैं मैंने कहा कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि ये सारे चेंजेस कैंसर ही होंगे क्योंकि कई अर्ली स्टेजेस में अगर हम इनको डायग्नोज करें तो कई बार ये सिर्फ इन्फेक्शन ही होता है जिसको हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं और कई बार अर्ली स्टेजेस होते हैं जिनको हम माइनर ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं मेजर केसेस में इसकी हमें मेजर सर्जरी या फिर और ट्रीटमेंट करना पड़ता है दिस एचपीवी वायरस नॉट ओनली कॉजेस सर्वाइकल कैंसर इट कैन कॉज अदर कैंसर्स आल्सो लाइक वेजाइनल कैंसर वल्वर कैंसर एनल कैंसर इवन इट कैन कॉज पेनाइल कैंसर इन मेल्स और इसकी वजह से जेनिटल वॉर्ट्स भी हो सकते हैं विच आर बेनाइन जो कैंसर नहीं होते हैं एचपीवी दिस वायरस इंफेक्शन यूजली उन लेडीज में होता है जिनका एक तो इम्यून स्टेटस लो होता है तो इसलिए द फीमेल्स हु आर हैवी स्मोकर्स और जिनका एड्स इंफेक्शन है जिनको एसटीडी अदर एसटीडी डिजीजेस हैं दे आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग दिस सर्वाइकल कैंसर What is the sign and symptoms of cervical cancer? इसकी वजह से इन जिन लेडीज में इसके क्या लक्षण होंगे एक एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज विच कैन बी फॉल्स स्मेलिंग एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पोस्टकोइटल ब्लीडिंग
कि आफ्टर इंटरकोर्स दे कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग एंड द इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कि पीरियड्स के बीच बीच में भी स्पॉटिंग होती रहती है. अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए. तो हाउ कैन वी डायग्नोज दिस? वन, बाय पैप स्मेयर. दिस पैप स्मेयर इज एन ओपीडी प्रोसीजर टेस्ट. सिंपल, हम पेशेंट के सर्विक्स जो हमें इजिली असेसिबल है ओपीडी के अंदर, हम इसकी जस्ट एक ब्रश से इसका हम सैंपल लेते हैं. इट इज एन पेनलेस प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर है, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है. और इसमें जस्ट इट टेक्स 2 मिनट्स टू टेक द स्मेयर, और इसको हम लैब में भेजते हैं. विद इन अ डे और टू इसकी रिपोर्ट आ जाती है. इन मोर देन 90% ऑफ केसेस दिस पैप स्मेयर कैन डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ कैंसर और नॉट. मैंने पहले भी कहा आपको कि जरूरी नहीं है कि पैप स्मेयर में अगर रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी आई है तो वो कैंसर ही होगा. मे बी कोई इन्फेक्शन है, मे बी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम मेजर सर्जरी की जरूरत ना पड़े, और थर्ड कि मे बी कैंसर भी हो सकता है. अगर हम किसी भी डिजीज को देखें, उसको प्रिवेंट करने के 3-4 लेवल्स होते हैं. वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स कि हम उसके बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन होने ही ना दें, जिसके लिए हम करते हैं वैक्सीनेशन. जैसे हम बच्चों को लगाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चों की, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी का टीके लगवाते हैं. वैसे ही इस सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है. इसको हम बोलते हैं HPV वैक्सीन. ये वैक्सीन जो है, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द फीमेल्स फ्रॉम 9 years ऑफ एज टू 45 years ऑफ एज. If it is said, it is best if it is given before the marriage or before the females get sexually active. But still can be given till 45 years of age. And before 14 years of age, we give 2 doses, 6 months apart. And after 14 years of age, it is given as 3 doses. Ek hi schedule hai whole lifespan ke liye. And this vaccine has been approved by WHO. It is 100% safe and effective. Outside India, in foreign countries, it is even given to the males also. But in India, it is recommended for females only. So I will highly recommend that you all ladies and your daughters should go for this vaccination. So this is actually the primary prevention. कि हमने इस HPV virus से infection होने से ही हमने इसको बचा लिया. But I told you that HPV virus has got many strains. Though this vaccine cover many strains, but still the other strain can cause the infection. So then comes the secondary prevention. That means when the infection has occurred, लेकिन हमने उस बीमारी को starting में ही पकड़ लिया है जब उसका treatment possible है. और इसके लिए हम करते हैं screening. That is a pap smear test, which I told you. This pap smear test is actually done from 30 years of age in married females, and it should be done every 3 years. हर 3 साल से ये test repeat करवाना चाहिए, क्योंकि ये HPV virus जो है, ये sexually active females में पूरी life में कभी भी किसी भी virus से आपको different किसी भी strain से आपको infection हो सकती है. हो सकता है अभी आपको strain 6 से infection हुआ है, maybe after 3 years आपको type 11 से infection हो जाए. तो इसलिए this test is done every 3 years. टू डिटेक्ट कि जो HPV वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, जो उसकी वजह से चेंजेस हुए हैं, वो अगर कुछ एबनॉर्मल चेंजेस हैं तो हम उसको टाइमली पिक कर सके और उसका हम टाइमली ट्रीटमेंट कर सके. और ये जो HPV वायरस से जो ये कैंसर सर्विक्स होता है, इट टेक्स 5 to 10 years टू डेवलप अ फुल ब्लोन कैंसर. ये कैंसर स्लोली स्लोली डेवलप होता है. तो इसलिए इस पैप स्मियर टेस्ट से हम एक अर्ली timely we can early diagnose this cancer and we can treat it. And then the tertiary level, that is the cancer treatment, ki agar kisi ko cancer ho hi gaya hai to uska bhi treatment early stages mein 100% curable hai. But ha, agar late stages mein, advanced stage mein diagnose hota hai, then we can only provide palliative care, that is the chemotherapy or radiotherapy. So I will suggest you that as this cancer is so common in India, so you all females should go for regular
pap smear test and second the vaccination, it is the HPV vaccination. This HPV vaccine jo hai basically it's of two types, Cervarix and Gardasil. Cervarix jo hai, it basically covers the strains which cause cervical cancer. Cervical cancer ke liye kafi had tak protection provide karti hai. And the other vaccine, that is Gardasil, it provides the protection against cervical cancer and also for the warts. जो मस्से हो जाते हैं नीचे, वॉट्स जिसको हम बोलते हैं, ये उसके लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दीज टू टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर देयर. इसका शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम है, 6 months का इसका शेड्यूल है एंड जस्ट वन शेड्यूल विल गिव यू द लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन. सो प्लीज आई विल से इफ यू सफर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड स्टिल नॉट If you are not having any problem, but still you should go for your regular screening by the pap test, which is to be done every 3 yearly, and second, the vaccination. Thank you.